ढोलक पर संगति दे रहे बड़े भाई रामवीर सिंह जी तूफानी नसवाना डीग राजस्थान से ठीका पर झटका लगा रहे। शिव सिंह बाबा साहब पीपला निवासी और आपके बीच में ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता है आदरणीय पंडित रोहिता डीजे साहब सर्विस जनुथा डीग राजस्थान से लीजिए अधिकारी भजनों का एक और शक्ति मेरी माता बहनाएं सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम सबसे पहले आपकी लाडली बेटी कुमारी लक्ष्मी सिंसनबार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत्सत को नमामि नमस्कार राम राम साहब। सजना ऐसे मत बैठो दोनों हाथों दे दोनों घोटू पकड़ पकड़ के बैठे तुम राम राम है देखो हंसी खुशी ले लो। हाँ भैया जी बाबा साहब आप सभी के सामने कलाकार बंधु बड़ी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं और भैया जी कमेटी का आदेश भी हुआ है कमेटी के सभी आदेशों की पालना करना हमारा परम कर्तव्य बनता है कोशिश भी करेंगे क्योंकि भैया जी किसी ने बड़ी सुंदर सी बात कह दी कि आए एक ही घाट से आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट अरे अपने अपने कर्म से सो है गए बार बात बात बाबा साहब सारी कर्म की होती है जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश हुआ है कि एक एक महामंत्र सभी कलाकार के द्वारा गाया जाए तो महामंत्र गाने का प्रयास कर रही हूँ। आइएगा भैया जी और हरे राम हरे राम और राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे जो एक काजी
मन ऐसे के भैया। अरे जो नहीं आया मदना
करण पंडित जी चिकसाना निवासी दे रहे हैं और 51 रुपए का पुरस्कार। अच्छा जी, माता बहनों की तरफ से आराम में बार बार आशीर्वाद की कामना करूं। अब सुनिएगा, वैसे आपके सामने ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं जो कि आपने अपने कानों से 10-20 बार ना सुनी हो। अब नेक्स्ट सुन लो, कोई दिक्कत ना। देखो, तुम जहां फैसला कर देंगे ना, वो फैसला हमारे कलाकार को सबको माने रहेगा। अब सुनिएगा भैया जी, कथा क्या है? आज जैसे आप सब लोग बैठे हो ना बाबा साहब, उसी तरीके से हस्तनापुर के अंदर भी एक सभा लगी है और उस सभा में दो पक्ष बैठे। एक पक्ष का नाम था बाबा साहब पांडवों का पक्ष और दूसरे पक्ष का नाम कौरवों का पक्ष। दोनों पक्षों के अंदर आज बाबा साहब धर्म का जुआ प्रारंभ हो जाता है। दाव लगते चले गए पांचों पांडव, अपना हर एक दाव आज हारते जा रहे हैं। और जब पांचों पांडव दाव हारने लगे तो भैया जी, वो धर्म का जुआ कपट के जुआ में तब्दील हो गया, बदल गया। जब कपट के जुआ में बदला तो सुनिए, आज पांचों पांडव अपनी कौन कौन सी चीजों को हार गए, कौन कौन सी चीजों को दांव पर लगा दिया। भैया रामवीर जिकड़ी की आ रही है मराठी और सुनिएगा क्या क्या चीजें हारे भैया। और ले अचल हो चल संपत्ति हार, चल संपत्ति हार और ले हारे महल दीवारे, महल दीवारे और पराधीन भय और पांचों पांडव के हार। सजनों, जब रानी द्रौपदी को हार गए,
दुर्योधन ने एक प्रांति सेवक को अपने पास में बुलाया और बुलाकर के कह दिया, ए सेवक, रानी द्रौपदी के महलों में जाओ और रानी द्रौपदी से महलों में जाकर के इन सारी बातों को बता करके रानी द्रौपदी को केसों सहित पकड़ करके इस राज दरबार में लेकर के आओ। जब इतनी बातों को सुना बाबा साहब तो सुनिएगा, जिकड़ी की आ रही है झड़ और झड़ में वो प्रांति सेवक रानी द्रौपदी को उस राज दरबार का सारा दृश्य बता रहा है, सारा हाल बता रहा है। और भैया जी कैसे बता रहा है सुनिएगा, और ले सब कुछ बैठे और हार बपंडे क्या, और ले सब कुछ बैठे और हार बपंडे और कुमार दे से हारे और ले आखिर दाम पे और ले आखिर दाम पे और फूटे रानी अब तो भाग तुम्हारे।